श्रद्धा से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम, नमस्ते आप सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। हम लोग अभी जो शाम को 7 बजे जो लेक्चर शुरू करते हैं, सीरीज लिया है, तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम, नमस्ते लोगों को, नमस्ते प्रणाम। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है रुद्भद कामला, इसके बारे में, आयुर्वेदीय चिकित्सा, आयुर्वेद का क्या निदान रहता है और इसमें क्या संप्राप्ति होती है, क्या हेतु रहते हैं और इसको किस तरह से हम लोगों को चिकित्सा करना चाहिए कि यह बहुत अच्छे से हम लोग इसको टैकल कर पाए, परमानेंट ठीक कर पाए। क्योंकि ना बहुत बार ऐसा होता है कि एलोपैथी के पास डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, कामला ठीक होता है लीफ 52 जैसे दवाइयों से, लेकिन वो लीवर की पैथोलॉजी जो है, लीवर की जो संप्राप्ति वो वैसे ही रहती है और बाद में पेशेंट जो रहता है मिथ्या हार करता रहता है, तो उसके वजह से लीवर के बड़े बड़े बीमारियां हो जाती है, जैसे कि सेरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है, लीवर फेलियर हो जाता है, हिपेटाइटिस हो जाता है। तो कामला की चिकित्सा जो है वो रुद्भद कामला जो है ना, मैं उसके बारे में बताने के लिए आया हूँ। तो इसकी चिकित्सा परफेक्ट होनी चाहिए कि वो जड़ से बीमारी निकल जाए, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुपित्त कामला को तो आप लोग को मालूम है कि उसमें बहुत ज्यादा पीलापन आ जाता है और पूरा अलग अलग इच्छाएं उत्पन्न करता है, इसलिए विविधान कामना काम कामन आने ती कामला ऐसा बोला है। अब हम रुद्भद कामला के बारे में, केवल स्पेसिफिक रुद्भद कामला जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं, इसका हम लोग आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से क्या वर्णन है यह हम लोग देखेंगे और इसको एनालिसिस करेंगे कि आयुर्वेद में इसके बारे में क्या बताया है। तो अगर हम चरक चिकित्सा स्थान देखते हैं, क्योंकि चिकित्सा में सर्वश्रेष्ठ कौन सा ग्रंथ है, तो चरक चिकित्सा स्थान ही सर्वश्रेष्ठ है चिकित्सा स्थान में। तो चरक संहिता में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है, ऐसा बताया है कि तिल पिष्ट निभम्यस्तु वर्चा सृजति कामली श्लेष्मणारुद्ध मार्गम तत्पित्तम कफर हरेर जयेत रुक्षशीत गुरु स्वादु वैमयर्वेग निग्रहे कफ सम्मूर्छितो वायु स्थानात पित्तम शपेत बली हरिद्र नेत्र मूत्र त्वक श्वेत वर्चास्तदा नरः भवे साटोप विष्टम्भो गुरुणा हृदये न च दौर्बल्याल्पग्नि पार्श्वार्थी हिक्का श्वासा रुचि ज्वरई कर्मणाल्पिन सज्जेत पित्ते शाखा समाश्रिते। इतना बढ़िया बताया है और आप लोगों को ये सब मालूम है, लेकिन बार बार शास्त्र पे जब चर्चा करते हैं तो हमें और स्पेसिफिकली वो समझ आता है कि अंशांश कल्पना से क्या क्या घटनाएं यहाँ पे घटित होती है, क्या दोष दुष्य समूर्छना होती है, ख वैगुण्यता कहाँ मिलती है और क्या होता है। तब इसमें सबसे पहले हेतु यह बताया है कि रुक्ष पदार्थों का सेवन ज्यादा करना, जो रोगी बहुत ज्यादा ड्राई चीजें खाते हैं, मतलब घी का सेवन बिल्कुल नहीं करता है, सूखी रोटी खाता है और सूखा चावल खाता है, मतलब सूखा, उसमें स्नेहांश की कमी रहती है। और आजकल डॉक्टर्स लोग बोल देते हैं कि तेल मिर्ची मसाला बिल्कुल नहीं खाना है, तो सूखे सूखे चीजें स्प्राउटेड चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो इसकी वजह से रुक्ष चीजें ज्यादा करना। फिर शीत पदार्थ का सेवन करना, जैसे फ्रिज के पदार्थ, फ्रिज में से लिया ठंडा ठंडा वो खा लिया, या फिर बासी खाना खा लिया, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कर लिया, चिल्ड पानी। अभी क्या है, थोड़ा सा धूप निकलेगा ना, अभी कुछ दिन में गर्मी शुरू हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, फ्रिज का पानी डायरेक्ट पी लेंगे गटागट गटागट, तो यह क्या करता है कि शीत गुण यह भी वायु का प्रकोप करता है। और दूसरा है ना कि मेरे पास एक रशिया से पेशेंट आते हैं अग्रवाल जी, तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इंडिया जो है, भारत जो है, यहाँ की संस्कृति इतनी अच्छी है कि यहाँ 3 टाइम गरम गरम खाना बना के लोग खाते हैं, कम से कम 2 टाइम तो खाना खाते ही हैं गरम गरम। लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्री है, रशिया है, यूएस है, यहाँ पर क्या करते हैं कि लोग ना महीने में एक ही बार खाना बनाते हैं, मतलब नॉनवेज बना दिया ना तो उसको डीप फ्रीजर में रख देंगे और रोज उसको माइक्रोवेव में गर्म करके थोड़ा थोड़ा खाएंगे, मतलब वह मतलब नया ताजा खाना नहीं रहता है और वो पचने में भी हैवी रहता है। तो उन लोगों को ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जिसको बोलेंगे वह होता ही होता है, क्योंकि खान पान वैसा है और फिर उसको दबाने के लिए वो एलोपैथी की जिंदगी भर दवाइयां खाते रहते हैं। और आयुर्वेद बोलता है कि कभी भी खाना है तो गरम गरम खाना है, मतलब फ्रेश खाना खाना है, फ्रेश जो खाना बनाया हुआ रहता है वह सबसे श्रेष्ठ रहता है। तो शीत पदार्थ का सेवन ज्यादा करना, यह भी रुद्भद कामला का हेतु बताया। फिर उसके बाद में गुरु पदार्थ का सेवन करना, मतलब अग्नि अपना मंद है और उसको ऊपर, अब गुरु का डेफिनेशन है, स्वभावता गुरु भी हो सकता है या अग्नि के बल को सापेक्ष, मतलब अग्नि के हिसाब से भी देख सकते हैं कि कौन सा पदार्थ गुरु हो रहा है।
अगर मैंने चुरमुरे भी खाए और वो बहुत ज्यादा मात्रा में खाए तो वो गुरु हो गया। अगर मैंने टाइम पर नहीं खाया और बहुत ज्यादा हैवी खा लिया तो वो भी गुरु पदार्थ हो गया। तो टाइम का महत्व रहता है गुरु पदार्थ के हिसाब से, अग्नि का, व्यक्ति का, प्रकृति के हिसाब से, देश काल, इन सब के हिसाब से गुरु, ये डेफिनेशन थोड़ा सा अलग अलग हो जाती है। तो गुरु पदार्थों का सेवन ज्यादा करना जो अग्नि को उपहत कर रहा है, उसी तरह से मधुर द्रव्यों का सेवन ज्यादा करना, मतलब बहुत ज्यादा मिठाइयाँ खाना, हलवा पूरी बहुत ज्यादा खाना, जो मधुर रसात्मक चीजें हैं उसका अति सेवन करना, इसके बाद में अति व्यायाम करना। लोगों को क्या रहता है कि हमें जिम में जाना है, बहुत ज्यादा बॉडी बनाना है, तो अति व्यायाम जो रहता है ये वायु का प्रकोप करता है। ये सारे जो है ना, अग्नि को उपहत कर रहे हैं या वायु का प्रकोप कर रहे हैं, ये सारे हेतु ऐसे ही है। इसी तरह से वेगों का धारण करना, मल मूत्र छींक उल्टी प्यास निद्रा, ये जितने 13 अधारणीय वेग है इसको धारण करना, ये अधारणीय वेग है। जब भी मल का वेग आए तो मल त्याग कर देना चाहिए, जब छींक आए तो छींक लेना चाहिए, जब जम्हाई है तो जम्हाई ले लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि हम लोग जम्हाई नहीं ले सकते हैं, या अपान वायु को निकालना, मूत्र का विसर्जन करना, मल का विसर्जन, कुछ कुछ ऐसे काम रहते हैं कि हम लोग या तो इग्नोरेंस रहता है या फिर वहां पे कंपल्शन रहता है, मतलब या तो इग्नोर करते हैं या कंपल्शन रहता है कि वहां पर वो चीज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वेगों का धारण और सतत धारण करना, इसकी वजह से क्या होता है, वायु और कफ ये दोनों विकृत हो जाते हैं और अग्नि उपहत होती है। इसके बाद में क्या होता है कि प्रकुपित हुआ जो वायु है उसमें रुक्षता बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाता है। जो शैतान वायु है, शैतान जो प्रकुपित वायु है उसमें रुक्षता आ गई, उसको मतलब अस्त्र शस्त्र मिल गया, रुक्षता का अस्त्र शस्त्र मिल गया। यह क्या करता है कि कफ की जो, कफ के साथ मिल जाता है, कफ भी प्रकोपित हुआ है, क्योंकि यहाँ पे शीत गुण, शीत पदार्थों का सेवन किया जा रहा है, मधुर पदार्थों का सेवन किया जा रहा है। तो कफ, वो एक शैतान बच्चा दूसरे शैतान बच्चे को लेके आता है कि चल हम दोनों न धिंगाना करेंगे, हम लोग न तोड़फोड़ करेंगे, अकेला वायु ही इसमें नहीं है, दो शैतान बच्चे हैं, तो कफ भी है और वायु भी है, दोनों बच्चे आते हैं। उसके बाद में पित्त जो रहता है, वहां पित्त जो है बेचारा, उसका एक घर है, उसको तोड़ने का ये लोग करते हैं, वो उसका बेस्ट फ्रेंड है पित्त, और पित्त उनका दोस्त है, कफ पित्त और वायु, लेकिन ये पित्त का घर तोड़ने का उद्देश्य, क्योंकि शैतानी बहुत ज्यादा आ गई है। तो ये पित्त की जो नलिका है, सेंट्रल बिलियरी डक्ट, उसमें अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। वहां पे ऐसा क्या करते हैं कि वायु जो रुक्ष गुण से उसमें ड्राइनेस ला देता है और संकोच पैदा करता है, कफ को वहां पे बिठा देता है कि तू बैठ जा, पित्त को निकलने नहीं देना है बिल्कुल भी, पित्त जो है ना वो उधर ही रहेगा और हम तोड़फोड़ करेंगे, ऐसा ये इनका प्लानिंग रहता है। इसी तरह से प्राकृत अवस्था में जो है, अब जो पित्त है ना, पित्त का काम क्या है कि खाना पचाने का, अब ये शैतान बच्चे आ गए वो उसका रास्ता ही ब्लॉक कर देंगे, तो वो पित्त निकल नहीं पाएगा, पित्त नहीं निकल पाएगा तो क्या होगा। अब नॉर्मल अवस्था में तो पित्त का स्त्राव जो रहता है सीबीडी से, सेंट्रल बिलियरी डक्ट जो है, वहां लीवर से जो बाइल निकलता है, गॉल ब्लैडर से जो बाइल निकलता है, वो सारा ना यहाँ पे डिओडिनम में सिक्रीट होते रहता है। अब यहाँ पर अवरोध हो जाता है, क्योंकि शैतान बच्चा जो है, सबसे शैतान बच्चा वायु है, रुक्ष गुण से बहुत ज्यादा शैतानी कर रहा है, यह कफ को वहां ले जाके बैठा दे रहा है कि तू बैठ जा, पित्त को तो हम आने नहीं देंगे आज, आज घर से बाहर नहीं। एक बार क्या हुआ कि हमारे, मैं फर्स्ट ईयर हॉस्टल में था, फर्स्ट ईयर बीएमएस में, तो क्या हुआ कि मेरे क्लास के बच्चों ने ऐसे ही किया कि एक क्लास के लड़के को, मतलब कुछ तो ऐसे वो हो रहा था, मतलब कुछ तो जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं ना, तो उस दिन उन्होंने प्लान किया, क्योंकि मतलब जब यंग बच्चे रहते हैं ना तो उनमें ये रहता है कि आज इसको तो हम बताएंगे, इसको सबक सिखाएंगे, कल्चरल प्रोग्राम में इसको आने नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उसको रूम में बंद कर दिया, लॉक लगा के भाग गए, तो मतलब उसको आने नहीं देना है, ऐसे कभी कभी रहते हैं। और फिर बाद में लेके आए वहां कल्चरल प्रोग्राम में कि उसका प्रोग्राम टूट जाए, वो हो ना पाए। इसी तरह से शैतानी यहां पर हो रहा है कि यह अवरोधात्मक संप्राप्ति कर रहे हैं, शैतान बच्चा प्रकुपित वायु है, या कफ को बोलता है कि तू उधर बैठ जा, पित्त को निकलने नहीं देना है। अवरोध होने के कारण यकृत में निर्माण होने वाला जो पित्त है, जो बाइल है, पाचक पित्त जिस हम बोलते हैं, बाइल है, वह न निकल नहीं पाता है, और उसकी वजह से पित्त को ना मल को, पित्त की वजह से जो मल को पिताभ रंग मिलना चाहिए प्राकृत अवस्था में, वो मिल नहीं पाता है, वो नहीं मिल पाएगा, तो क्या होगा कि मल जो है वो तिल पिष्ट निभ हो जाता है, मतलब सफेद रंग का, और तिल का जैसा ये रहता है ना, लड्डू रहता है, उस तरह से वह मल निकलने रहता है, मतलब वहां पे पीलापन चला जाता है मल को। इसलिए बोला है तिल पिष्ट निभम यस्तु वर्चस सृजति कामली, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। मैं आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि ऐसा ही होता है, पित्त के अभाव से वहां पे मल का रंग ही नहीं मिलता है, मल का प्राकृतिक वर्ण नष्ट हो जाता है, और तिल की पेंडी के समान
वहां पे श्वेत वर्ण का असंघात युक्त, वहां पे संघात भी नहीं होता, ऐसे भसरट भसरट मतलब ऐसे टूटा फूटा टूटा टूटा मल निकलता है, अपाचित और स्निग्ध मल बनता है। स्निग्धता बोल रहे थे क्योंकि पित्त का काम जो है वो मल का भी पाचन करना है, मल का पाचन अच्छे से होना चाहिए और उसमें कॉम्पैक्टनेस होना चाहिए। असंघात और असंघात युक्त और अपाचित और स्निग्ध ऐसे मल निकलने लगता है वहां से, मतलब जो अपना जो पक्वाशय है पुरुषाशय है वहां से वो निकलने लगता है क्योंकि पित्त की पाचन क्रिया ही नहीं हो पाती है मल पे। दूसरा क्या है कि पित्त कोष्ठ में नहीं आ पाता, दो दोस्तों ने रास्ते को ब्लॉक करके रखा है क्योंकि उनको मस्ती आई है, उनको शैतानी करने का किसने दिया तो मनुष्य ने ही किया कि वायु प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया है, इसलिए वो शैतानी बच्चे करेंगे ही। अब उनको आपने बिगाड़ दिया तो वो बिगड़ेंगे ही, वो शरीर में गड़बड़ी करेंगे, इसीलिए संस्कार देना बहुत जरूरी है बच्चों को। यहां पर भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मिथ्या आहार विहार नहीं करना चाहिए, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति है कि मालूम होते भी प्रज्ञा प्राप्त करते हैं, क्यों गरम खाना खाना है ये मालूम है कि गरम ही खाना है ताजा ही खाना है, लेकिन कभी आलस्य की वजह से या क्या होता है देखते हैं ऐसे सोच के लोग खाते ही हैं, फ्रिज का खाना खाएंगे, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, फिर उसके बाद रुक्ष पदार्थ बहुत ज्यादा खाएंगे, अति गुरु पदार्थ खाएंगे, बहुत ज्यादा मीठा खाएंगे, मतलब ये क्या रहता है ना कि मिथ्या जो भी प्रज्ञा प्राप्त रहता है उसकी वजह से ये उल्टा पुल्टा करते हैं, इसलिए दोष प्रकोपित होते हैं। कभी भी कोई भी चीज अपने आप नहीं होता है, वो शैतान बच्चों को शैतानी कराने का मनुष्य खुद ही ऐसा बना देते हैं। अब ये शैतान बच्चे क्या करते हैं कि पित्त का जो मार्ग है उसको रोक दिया उन्होंने, सीबीडी को सेंट्रल बिलियरी डक्ट को अवरुद्ध कर दिया, इसकी वजह से पित्त जो है वह निकल नहीं पाता है पूरी तरह से, रास्ता ब्लॉक है, इसीलिए कफ और वायु ने वहां पे रास्ता रोक के रखा है पित्त का। अब इसके वजह से मल जो है असंघात युक्त निकल रहा है, अपाचित निकल रहा है, स्निग्ध निकल रहा है, सफेद रंग का निकल रहा है, ये चीज होने लगता है। अब दूसरा क्या है कि पित्ताशय में वो संचित होने लगता है, गॉल ब्लैडर में बहुत ज्यादा संचित होने लगता है, और फिर क्या होता है कि वायु जो है, शैतान बच्चा अभी इतना में ही नहीं है, शैतान बच्चा वो पित्त को लेके जाके दूसरे जगह लेके जाता है जिसको हम बोलते हैं विमार्गमन होना, पित्त का विमार्गमन करता है और कोष्ठ से शाखा में फैलने लगता है पूरी जगह, और इसकी वजह से रस और रक्त वाहिनियों के साथ लेके पूरा शरीर में संचार करने लगता है। इसकी वजह से नख नयन बदन मूत्र पुरुष नाखून है, मुंह मुंह का जबान है, पूरा चेहरा है, आंखें हैं, नख नयन बदन मूत्र ये पुरुष जो है उसमें तो कलर ही नहीं आ रहा, ये सब ना क्या होते हैं कि उसमें पीलापन आ जाता है, पित्त जो है वो कोष्ठ से शाखागत हो गया। इसके बाद में रुत्पत कामला में जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है जो हम व्याधि के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें कोष्ठाश्रित नहीं रहता है, बहुपित्त कामला में कोष्ठाश्रित रहता है, यहाँ पर शाखाश्रित रहता है, इसलिए इस व्याधि को बोलते हैं शाखाश्रित कामला, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, इतना बेसिक चीज आयुर्वेद में ग्रंथकारों ने बताया, इसको समझना बहुत जरूरी है कि पैथोलॉजी क्या हो रही है। शैतान बच्चा से मैंने आप लोगों को समझाने का कोशिश किया, आप लोगों को ध्यान में रहेगा कि यहाँ पर पित्त और कफ ने रास्ता को ब्लॉक कर दिया है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं तो इसको रुद्पत कामला बोलते हैं, शाखाश्रित कामला बोलते हैं, फिर अल्प पित्त कामला भी बोलते हैं क्योंकि बहुपित्त कामला में तो बहुत ज्यादा पित्त निकलता है, उसमें पीलापन बहुत ज्यादा, मल में भी पीलापन रहता है, पूरा शरीर में पीलापन रहता है, यहाँ पर अल्प पित्त कामला बोलते हैं। इसी तरह से रुद्पत कामला जो रहते हैं उसमें जो पित्त रहते हैं वो पक्वाशय में नहीं आ पाता है, अत्यल्प प्रमाण में ही आ पाता है क्योंकि जितना रास्ता खुलेगा उतना ही पित्त आ पाएगा। अन्न पचन की क्रिया जो रहती है, अब अन्न अन्न को पचाने के लिए पित्त चाहिए, पित्त तो आ ही नहीं रहा है, पित्त का काम ही नहीं करने दे रहे हैं शैतान बच्चे, अपना दोस्त है लेकिन दोस्त को पकड़ के रखा है इन्होंने, वहां रास्ता ब्लॉक कर दिया और उसको दूसरे रास्ते से लेके जा रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे ना तो मेरे क्लास के बच्चे जो थे ना वो क्या करते थे, शैतानी करने के लिए सारे बच्चों को लेके जाके दारू पिलाने के लिए लेके जाते थे, मतलब और उनको ऐसा था कि सभी को दारू पिलाना सिखाएंगे, सभी को सिगरेट पिलाना सिखाएंगे, सबको बीड़ी पिलाना, सबको तंबाकू गुटखा खिलाना सिखाएंगे। मुझे तो नहीं कर पाए, मैं तो उनको मार देता, मेरे को बहुत गुस्सा आता था ये सब। लेकिन ये जो है ना विमार्गमन, अपने दोस्त को बिगाड़ना, गलत चीजों में लेके जाना और वहां पे बिगाड़ना, फिर वो दारू पिलाएंगे और फिर डांस करवाएंगे कि चल डांस करा, और मैं पूछता था ये क्यों कराते हो तो बोलते थे कि बोल्ड बनते हैं इससे, दारू पीना ये सब बुरी आदतें सिखाना चाहिए, जिंदगी में ऐश करना चाहिए, मौज करना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर जो शैतान बच्चे हैं पित्त और कफ जो है, यहाँ पर कफ को उसने बैठा दिया, खुद भी वहां पे शैतान बच्चा है वायु है उसने सीबीडी को ब्लॉक कर दिया, पित्त की जो नलिका है उसको ब्लॉक कर दिया, और फिर वो शैतानी करते हुए पित्त को विमार्गमन करके पूरे शाखा में लेके जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि दारू पिलाने का जो मौज मस्ती करना है उस तरह से वो लेके जा रहे हैं।
अब इसमें और क्या होता है कि खाना अब पित्त का जो काम है वो होगा नहीं, पित्त को जो कोष्ठ में आना चाहिए, अन्न पचन का कार्य होना चाहिए, वो होगा ही नहीं। और जो वहां पे जो बाइल जो यकृत वाला पित्त है वह नहीं निकल पाता है, लेकिन जो पैंक्रियास का जो पित्त है या फिर ग्रहणी कला में जो पित्तधरा कला में जो पित्त है उससे ही खाना पचेगा, लेकिन 100% नहीं पच पाता है। इसलिए अल्प मात्रा में अन्न पचन होता है, थोड़ा ही होता है। यकृत का जो पित्त है वह नहीं आ पाता है, इसी की वजह से अविपाक होता है, मतलब खाया पिया पचता नहीं है। यह रुत्पत कामला के टिपिकल सिम्टम है, 100% अविपाक नहीं होता, थोड़ा पचता है थोड़ा नहीं पचता है। इसी तरह से अरुचि होती है, खाना खाने का टेस्ट नहीं आता है। तो आप लोग ये कल्पना करें कि यकृत का पित्त कितना महत्वपूर्ण है, जिसको रास्ते को ब्लॉक कर दिया है पित्त और कफ ने। इसी तरह से दाह होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो वायु है इसने पित्त को शाखाश्रित कर दिया है। अब पित्त जो है अपना उसको मेन काम कहाँ करना था, तो कोष्ठ में करना था, ग्रहणी कला में जाके अन्न पचन करना था। अब वो वहां नहीं जा रहा है, अब पित्त खुद ही गर्म है, उष्ण और तीक्ष्ण है, और उसमें इतनी लेकिन ताकत नहीं है कि वो कफ और मतलब वो कमजोर अभी हो गए, उसमें इतनी ताकत नहीं कि वायु और कफ से लड़ाई कर सके और वो रास्ता को खोल सके। इसलिए हमें मेडिसिन देना है, उसकी सहायता करने के लिए मेडिसिन देना है कि तू ना पित्त और कफ को हटा और तेरा रास्ता हम खोलते हैं, तू आ जा और फिर खाना पचाने का कार्य कर। ऐसा हम लोग उसको मेडिसिन देके करते हैं। अब यहाँ पर पित्त जो है पूरा शाखाश्रित हो गया है, विमार गमन हो गया है, कि ऐसा सोचे कि कोई अच्छा इंसान है, उसको दारू पिला दिया गया, दारू पिला दिया गया, और वो खुद ही शैतानी करने वाला बच्चा है, और दारू पिलाने के बाद वो तो शैतानी करेगा। पित्त भी शांत नहीं है, वो संगति में ऐसा हो जाता है, तो पित्त दाह करता है, पूरे बॉडी में बर्निंग होने लगता है। इसी तरह से प्यास बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण है, सब जगह पसर गया है पूरा शरीर में, अंग साध होता है, पूरा शरीर में लेजीनेस आता है, ऐसा लगता है थकावट बहुत ज्यादा आ रही है। इसी तरह से रुद्रपद कामला और बहुपित्त कामला में अगर हम लोग व्यवच्छेद निदान करते हैं, मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं, तो हमें मल परीक्षण आवश्यक होता है कि किस तरह का उसका जॉन्डिस है। तो मल से हमें पता चलता है कि अगर सफेद रंग का हो रहा है, तिल के पिंडी की तरह हो रहा है, तो ये रुद्रपद कामला है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। उसमें बिलिरुबिन बिलिवेड्रिन तो दोनों में बढ़ा हुआ दिखेगा, लेकिन इसमें ये और नख नयन बदन मूत्र पुरुष ये सब दोनों में दिखेंगे। पुरुष केवल अलग रहेगा कि वह व्हाइट रहेगा और इसमें बहुत ज्यादा पीला रहेगा, पेशाब बहुपित्त कामला में बहुत ज्यादा पेशाब पीला रहेगा, आंख वगैरह सब ज्यादा की वजह से ज्यादा रहेगा। रुद्रपद कामला में थोड़ा रहेगा, पीलापन तो रहेगा। तो मल परीक्षण से ही हमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस दिखता है। ऐसा कोई मशीन नहीं बनाया जो हमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का वो ऑब्स्ट्रक्शन दिखा सके, इतना मशीन नहीं बनाए। हम गॉल ब्लैडर स्टोन देख सकते हैं, लेकिन वो सीबीडी इतना पतला रहता है उसका हम लोग नहीं देख सकते कितना ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये एलोपैथी साइंस भी इसी तरह से वो चेक करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन किस तरह से, वहां पे क्या पैथोलॉजी, क्या इंफ्लेमेटरी चेंजेस है, उससे वो लोग भी डायग्नोज करते हैं। और जो ये करते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, SGOT SGPT कितना बड़ा है, उसके हिसाब से वो लोग भी डायग्नोज करते हैं। सीरम फॉस्फेटेज कितना बड़ा है, सीरम एमाइलेज कितना बड़ा है, क्या बड़ा है, वो लोग का भी एक पैरामीटर है, और इंफ्लेमेटरी चेंजेस कितना है, इन्फेक्शन कितना है, उस हिसाब से वो लोग देखते हैं। अब इसमें बोल रहे हैं कि रुत्पत कामला में मल जो है तिल पिष्ट निभ होता है, बहुपित्त कामला में जो मल प्रवृत्ति होती है वो हल्दी जैसा पीले रंग का होता है। ये दोनों में भेद है, इसी और बाकी सारे सिम्टम्स है सेम ही है, केवल मल परीक्षण से हमें समझ आता है कि रुत्पत कामला कौन सा है, बहुपित्त कामला कौन सा है। बहुपित्त कामला में वायु जो रहता है उसकी हिम्मत ही नहीं होती, वहां पे पित्त इतना ज्यादा प्रकोपित होता है, इतना स्ट्रांग होता है, शैतान बच्चा होता है, कि वह खुद ही सभी शरीर को डैमेज करता है, मतलब वो पूरा पित्त को इसमें कोष्ठ में लाके और पूरा शरीर में फैल जाता है। वहां वायु और पित्त का इतना ज्यादा रोल नहीं है, वायु का रोल है जो उसका प्राकृतिक काम है कि पूरा शरीर में वायु यंत्र तंत्र तरह उतना ही है, लेकिन रुत्पत कामला में वायु और कफ का रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन ये लोग करते हैं और फिर विमार गमन करते हैं, अपना स्थान से विमार गमन करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि कफ और पित्त का यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्व है। अब इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि रुत्पत कामला में कोष्ठ में पित्त नहीं होता है, तो पुरुष को प्राकृत वर्ण प्राप्त नहीं होता है, मूत्र का वर्ण जो रहता है वो हल्दी जैसा पीला पीला रहेगा, लेकिन उतना नहीं रहेगा जितना बहुपित्त कामला में रहेगा। इसी तरह से हम लोग ये सोचते हैं कि मूत्र की उत्पत्ति कहाँ होता है, तो पक्वाशय में होता है। सारकिट विभाजन कहाँ होता है, पक्वाशय में होता है। तो यहाँ पर ग्रहणी कला का जो पित्त है वह थोड़ा निकलता है, फिर जो पैंक्रियास का जो पित्त है वह थोड़ा निकलता है, और जो इंटेस्टाइन में जो पित्त है वह निकलता है। तो सारकिट विभाजन तो होगा लेकिन अच्छे से नहीं होगा इसीलिए। और फिर क्या होता है कि शाखागत जब गया है पित्त,
तो वो थोड़ा थोड़ा दूसरे रास्ते से आने का कोशिश करता है, उसके वजह से यह मूत्र प्रवृत्ति जो रहती है वो पीली होती है थोड़ा सा, लेकिन मल जो है मल में डायरेक्ट पित्त नहीं मिल पाता है, और इसीलिए और उतना क्वांटिटी में भी नहीं रहता है कि मल को कलर कर सके, मल का पाचन कर सके, मल का संघात कर सके, मल की स्निग्धता को पचा सके, ये सब उसमें इतना इतना पित्त होता ही नहीं है। मूत्र में तो निकल जाता है, क्योंकि मूत्र में क्यों निकलता है, क्योंकि जितना भी रस और रक्त में पित्त है वह जब यहाँ पे आता है किडनीज में आता है, तो किडनीज जो रहती है ब्लड को फिल्टर करती है, तो इसीलिए रस और रक्त के द्वारा वो रास्ते से आके और फिल्टर होके वो पित्त निकलने लगता है, रक्त की जब शुद्धि होती है फिल्ट्रेशन होता है रक्त का तो वहां से आने लगता है, लेकिन डायरेक्ट जो पित्त है वो शाखा से कोष्ठ में नहीं आ पाता है, शाखा में ही विमार्गमन कर देता है। ये आप लोगों को कंसेप्ट समझ गया। इसके बाद में पकवाश, अब ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि पकवाश में मूत्र का वर्ण जब होता है तो आंत्र का कलर, आंत्र में पित्त कैसे आता है, उसका रंग कैसा हो जाता है, तो ऐसा बताया कि मूत्र की उत्पत्ति जो होती है सारकेट विभाजन के समय पकवाश में होती है, यह मूत्र उसका क्लेद वहन का कार्य करता है और पूरे शरीर संचार करता है, जिस तरह से रस और रक्त संचार करता है उसी तरह से मूत्र भी है, वो मल रूप है मूत्र, वो शरीर में क्लेद वहन कर रहा है, विकृत रूप से है या प्राकृत रूप से है, दोष धातु मलामूलम शरीरम ऐसा जो बताया है, तो मूत्र भी पूरा शरीर में परिभ्रमण कर रहा है और पूरे शरीर में संचार करते हुए शरीर में निर्माण हुआ जो क्लेद है उसका वाहन उसके द्वारा ही होता है, मूत्र के द्वारा ही होता है, और वह जब मूत्र जो है जो रक्त में और रस में मिला हुआ है मूत्र जो विकृत रूप से है जिसको एक्सक्रीट होना है बाहर निकलना है, तो वृक्कों में उसका पोष्य मूत्र का स्वरूप प्राप्त होता है और उसके द्वारा वो पूरे शरीर में संचार करते हुए जब वृक्कों में आता है तो वृक्क जो है वह उसको निकालने लगते हैं, पित्त निकलने लगता है, और इसी तरह से जो शाखाशित प्रकुपित पित्त है उसके संपर्क में आ जाते हैं। अब जैसे विमार्गमन हुआ है, पित्त का विमार्गमन हुआ है, उसको कोष्ठ में आने नहीं दिया और वायु ने क्या किया कि अपने दोस्त को बिगाड़ के दारू पिलाने के लिए पूरा शरीर में शाखाशित कर दिया, अब उसको दूसरा एक दोस्त मिला जो मूत्र है, वो बोलते हैं अब मूत्र में और स्वेद में पित्त तो रहता ही है, तो दूसरे दोस्त मिल गए वो बोलते हैं कि नहीं, तू तो बहुत बिगड़ गया है, तुझे तो अपने घर लेके जाना है, तो वो बोलते हैं कि हम लोग जाएंगे, लेकिन वो बोलता है कि तू मेरे घर चल, मेरे साथ चल, तो मूत्र क्या करता है अपने साथ लेके आता है, लेकिन मूत्र का रास्ता जो है वो वृक्कों द्वारा निकलना है, वो विकृत रूप से क्लेद है जो पोष्य मूत्र के रूप में तो रखेगा वो, लेकिन जो विकृत मूत्र है जो मल रूप मूत्र है उसको वहां से वो फिल्टर करने लगता है, मतलब वो वहां पे दोस्ती निभाता है मूत्र, इसीलिए वो उसको निकालते रहते हैं, थोड़ा उसको आजादी देता है कि तू इधर से निकल जा, तो इस तरह से ये समझ है। मैं आप लोगों को ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझ है कि मूत्र का कलर रुद्पद कामला में पीला क्यों होता है, क्योंकि मूत्र लेके आता है अपने दोस्त को वहां से, उसी तरह से रुद्पद कामला में रुक्ष हुआ जो कफ है और वायु की वजह से रुक्ष हुआ जो कफ है वो पित्त वाहिनी का अवरोध कर देता है, तो ये महत्वपूर्ण संप्राप्ति है। कभी कभी वहां पे कुछ ये जो रहते हैं विकृत रूप से, जो जैसे बोलेंगे कि अब दो दोस्त बिगड़े हैं कफ और पित्त, तो उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा लोग भी आ जाते हैं जो गंदा काम करते हैं जो उनको और वो बिगाड़ते हैं, तो वैसे ही कृमि है, कृमि वर्म्स जो रहते हैं वो कृमि जाके भी वहां पे रुत्पत कामला की संप्राप्ति करते हैं, जो अनवांटेड चीजें हैं वह भी जाके वहां पे वो गलत काम करते हैं कि रास्ता ब्लॉक कर देती हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के घर में कुछ आग लगी है तो कुछ लोग आग बुझाने के लिए जाते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि वो और जल जाए और जल जाए, तो और पेट्रोल डालते हैं कि और जल और जल और जल, जो घी में आग डालने का काम करते, वैसे ये कृमि की पैथोलॉजी भी ऐसी ही रहती है कि वहां कृमि भी उत्पन्न होती है, क्योंकि कफ है वहां पे क्लेद है अभिसंधि गुण के वजह से कफ बढ़ा हुआ है और उत्तरोत्तर है, तो कृमि वहां जाके चले जाते हैं, क्योंकि कृमि की उत्पत्ति अभिसंधि गुण में और कफ के जगह पे क्लेद जहां रहेगा वहीं पर होता है, तो इसलिए कृमि की वजह से ये पित्त वाहिनियों का अवरोध और ज्यादा बढ़ जाता है। अब दूसरा क्या है कि रुत्पत कामला जो रहती है वो ज्यादातर सुख साध्य होती है, थोड़ा सा हमने मेडिसिन दिया ना तो वो कफ और पित्त है वो रास्ते पे आ जाते हैं, उनको थोड़ा सा हमने डराया धमकाया मेडिसिन से तो वो अपने रास्ते से आ जाते हैं, लेकिन अगर अर्बुद जैसे कंडीशन होगी वहां पे कुछ ऐसी पैथोलॉजी हो गई कि अर्बुद हो गया वहां पे मांस ग्रंथि हो गई या अर्बुद हो गया ट्यूमर हो गया तो वह कष्ट साध्य असाध्य हो जाता है, या कैंसर के बिनाइन ट्यूमर हो गया या मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया तो असाध्य हो जाता है। अब इसमें रुत्पत कामला की संप्राप्ति में फिर से बताता हूँ कि हेतु सेवन होता है, वात और कफ का प्रकोप होता है, वात कफ को प्रकोपित करने वाले आहार विहार का सेवन मनुष्य करता है इसीलिए वो बिगड़ जाते हैं, और इसके वजह से रुक्ष गुण प्रधान जो वात दोष है और कफ है
जो रुक्षता से बढ़ जाते हैं, सम्मूर्छित हो जाते हैं, मतलब दोनों कफ और वायु सम्मूर्छित हो जाते हैं, और ये दोनों मिल के क्या करते हैं कि यकृत से पित्त तक वहन करने वाले जो पित्त वाहिनी है उसका अवरोध कर देते हैं। अवरोध करने की वजह से पित्त जो है वो कोष्ठ में नहीं आ पाता, और इसलिए तिल पिष्ट में भी मल प्रवृत्ति होती है, और यकृत का प्रमाण यकृत में प्रमाण बढ़ता है, मतलब हिपैटोमेगली भी होने लगता है, और फिर वायु क्या करता है कि पित्त का विमार्गमन कर देता है, पित्त को ऐसे शांत नहीं रहता कि तू शांत है, तू रस्ते से नहीं आ पा रहा, तो तेरे को हम, वो पित्त को पूरे जगह घुमाने लगता है और बिगाड़ देता है। जैसे कि मैंने बताया कि दारू पिलाने के लिए दोस्त लेके गए, उसी तरह से विमार्गमन कर देता है, रस और रक्त वाहिनियों द्वारा पित्त जो है वो पूरे शरीर में संचालित होने लगता है, और कोष्ठ को छोड़कर पित्त का जो संग है ऑब्स्ट्रक्शन वाला, वह सब जगह पित्त का संग होने लगता है, पित्त सभी जगह जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, इसलिए दाह होगा, बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, तृष्णा होगा, ये उपद्रव होने लगते हैं। फिर उसके बाद में नख नए, और पित्त का संग होता है, पित्त का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, पित्त जाके अपना रास्ता भूल गए, तो इसके वजह से पित्त कहीं और जाएगा, तो उसका कुछ रास्ता भटकने की वजह से उसको और भी लोग ना बुला बुला के और उसको बिगाड़ देते हैं। तो जैसे नख में, नयन, नाकों में, नेत्र में, फिर वदन में, त्वचा में, मूत्र में पित्त वर्ण्यता आ जाती है, पित्त को ना वो शांत नहीं बैठने देते, रास्ता भटक गया है तो ये नहीं बोलते कि अपने रास्ते नहीं जा, केवल उसका सच्चा दोस्त तो मूत्र ही है, जो पित्त को थोड़ा थोड़ा निकालने के लिए आप वृक्कों में लेके आते हैं, पोष्य रूप में थोड़ा सा पित्त वहाँ मूत्र बनता है, वृक्कों के पूरा शरीर में रहता है, और जो विकृत मल के रूप में है वो थोड़ा थोड़ा उसको आजादी देते रहते हैं कि तू चल निकल निकल, उसका सच्चा दोस्त तो मूत्र ही है। तो ये नख, नेत्र, त्वचा, मूत्र, ये पित्त वर्णी होता है, इस तरह की रुतपत कामना होता है, और टिपिकल सिम्टम है कि तिल पिष्ट निब मल प्रवृत्ति होती है। अब इसके उपद्रव क्या रहते हैं कि इसमें कंडू होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि कफ भी है ना, वो कफ तो यहाँ रास्ता रोक रहे हैं, लेकिन उस पूरे शरीर में जो कफ है वह भी विकृत हुआ है, एक जगह का हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है पूरा शरीर में, तो इसलिए खुजली बहुत ज्यादा आती है। फिर खाना पचेगा नहीं, तो इंसान को शोष होगा, धातुओं का नरिशमेंट नहीं होगा, अच्छा रस नहीं बनेगा, अच्छा रक्त नहीं बनेगा, मांस में अस्थि मज्जा शुक्र नहीं बनेगा, तो शरीर सूखते जाता है, वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है, फिर बुखार आता है, ज्वर होता है, क्योंकि अग्नि मान देता होगा, पित्त नहीं आएगा तो स्वेदवस, फिर आम संचिति बहुत ज्यादा होगी, आम बनने लगेगा, अग्नि मंद है यहाँ पे, पित्त बन नहीं रहा, तो इसकी वजह से क्या होगा, स्वेदवस्त्र और रसवस्त्र उसको अवरोध करेगा, और उसकी वजह से ज्वर आने लगेगा। उसके बाद में सांस फूलने लगता है, क्योंकि क्लेदा कफ ज्यादा बढ़ता है, एक चीज को पित्त को हमने ये किया, कफ बढ़ेगा तो सांस फूलने लगता है, पूरा श्वास नलिकाओं में कफ बन जाता है, तो इसलिए श्वास लगने लगता है, कभी कभी वायु जो है वो मस्तिष्क में जाता है, तो उसकी वजह से मूर्छा आने लगती है, पित्त और वायु ये जाके मूर्छा करने लगता है, ऐसे उपद्रव होने लगते हैं। और रुतपत कामला है ना, उसके लक्षण में तो एक कंडू होना, शोष होना, तृष्णा होना, दाह होना, श्वास होना, मूर्छा होना, ये तो टिपिकल सिम्टम ही है, ये तो होता ही होता है। अब इसके बाद में हम लोग और देखते हैं कि रुतपत कामला में अगर रेडनेस ज्यादा आने लगी, इन्होंने बोला है कि सरक्ताक्षी मुख छर्दी व्रण मूत्रो यश्च ताम्यति दाह रुचि तृषा दाह तृषानाह तंद्रा मोह समन्विता प्रनष्टाग्नि विसंगस्य वीर्यात्याशुष कामली, मतलब अगर आंखें और नेत्र मुख ये सब ना रक्त वर्ण के होने लगे, बहुत रेडनेस आने लगे, क्योंकि पित्त और रक्त का आशय संबंध है। अगर हमने टेररिस्ट को हमने अपने अच्छे बच्चे को टेररिस्ट ग्रुप में डाल दिया, तो वो क्या करेगा कि टेररिज्म और बढ़ेगा, इसलिए संगति का, तो ये क्या है, पित्त जो है ना ये रक्त में जाता है, रक्त को भी बिगाड़ देता है, क्योंकि पित्त और रक्त का आश्रय संबंध है, उसका तो सबसे बड़ा दोस्त तो रक्त है, तो इसीलिए वो रक्त भी आने लगता है, तो इसकी वजह से रेडनेस आ जाती है, सरक्त छर्दी होती है, उल्टी आने लगती है, तो असाध्यावस्था में जाता है। फिर मूत्र पुरुष ये सब है ना, ये गाढ़े रंग का बहुत ज्यादा रक्त वर्णीय होने लगता है, तो ये असाध्यावस्था में होता है। दाह बहुत ज्यादा बढ़ती है, अरुचि तृष्णा, फिर आना तंद्रा मोह तमा प्रवेश, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, मूर्छा, ये सब ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि ना जो शरीर का सिस्टम है वो बिगड़ जाता है पूरा, तो इसीलिए आंखों के आगे अंधेरा जाता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो आंखों तक नहीं जा रहा है, क्योंकि पचन क्रिया नहीं हो रही है, तो इसलिए तमा प्रवेश होता है, मूर्छा होती है, अग्नि का पूरा नाश होने लगता है। तो ये सारे असाध्यता के लक्षण है। दोषा रोगा सर्वे पे मंदाग्नो, दोष सारे हैं वो मंद अग्नि से होते हैं, और ये धीरे 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 मंद अग्नि की तरफ जाता है, तो ये असाध्य अवस्था में जाके धातुपाक होके मृत्यु तक, क्योंकि लीवर जो है वह टॉलरेट नहीं कर सकता है पित्त
पित्त को ज्यादा टॉलरेट नहीं करेगा, पित्त ज्यादा है बीमार का मन हुआ ठीक है, लेकिन फिर वो धातुपाक होके लिवर फेलियर, सेरोसिस ऑफ लिवर या लिवर फेलियर होके इंसान को मार भी सकता है। इसी तरह से वस्त्र पर पसीने का या मूत्र का धब्बा जब जमने लगता है तो ये असाध्यता का लक्षण है। रोगी को सभी चीज पीले पीले दिखाई देने लगते हैं, आंखों में आलोचक पित्त इतना ज्यादा विकृत होता है कि सब चीज पीला पीला दिखाई देने लगता है, तो ये सब जब है तो ये असाध्य होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि रुत्पद्म कामला जो है ना बहुपित्त कामला की अपेक्षा में कंपैरिजन में साध्य टाइप का रहता है, लेकिन अर्बुद हो गया या बाह्य अवरोध और ज्यादा हो गया किसी और टॉक्सिन्स या विष का सेवन से हो गया तब ये असाध्य होते हैं, नहीं तो नॉर्मली ये बहुत ज्यादा सुख साध्य के रूप में रुत्पद्म कामला को हम लोग समझते हैं। अब चिकित्सा जो है बहुपित्त कामला और रुत्पद्म कामला की चिकित्सा बहुत ही अलग है। रुत्पद्म कामला की चिकित्सा जो है वो मैं बताऊंगा और फिर मैं कुछ अनुभविक योग बताऊंगा कि कैसे क्या काम होता है, मेरे सर के नोट से मैं बताऊंगा। तो इसमें ऐसे बताया गया है कि तृष्णाम्लय कटु रुक्षोष्ण लवणश्चापि च अपि उपक्रमः आपित्त रोगा च कुतो वायुश्चा प्रशमात भवेत् स्वस्थानगते पित्ते पुरुषे पित्तरंजिते निवृत्तोपद्रवस्यास्य पूर्व कामलिको विधिः। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि रुद्भत कामला में कफ का प्रकोप हुआ है, कफ का लेना देना नहीं है वो स्थान में जाके, लेकिन वायु उसको लेके गया है और वहां पे कफ को बैठा दिया है उसने, पित्त वाहिनियों में वहां जाके बैठा दिया है। अब कफ सोच रहा है कि मैं क्या करूंगा, मेरा तो ये कुछ काम ही नहीं है, मुझे तो यहाँ रास्ते में ब्लॉक कर दिया, मेरे दोस्त का रास्ता घर का रास्ता जो है उसमें ब्लॉक कर दिया। इसीलिए हमें चिकित्सा में स्नेहन पूरी तरह से वर्ज करना चाहिए, मतलब तेल वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं देना है रुद्भत कामला में, नहीं तो वो कफ को और बिगाड़ेंगे। तो इसीलिए एलोपैथी के डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि तेल बिल्कुल नहीं देना है इसमें, हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन तीक्ष्ण विरेचन देना बहुत जरूरी है। तीक्ष्ण विरेचन नहीं देंगे, कफ को धक्का मार के निकालना जरूरी है, और पित्त को भी वहां जो अटका हुआ है पित्त उसको निकालने के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा विरेचन ही है, तीक्ष्ण विरेचन देते हैं। इसीलिए यहाँ पर त्रिवित का प्रयोग करते हैं, दंती का प्रयोग करते हैं, कुटकी का प्रयोग करते हैं, जयपाल का प्रयोग करते हैं, जब वो क्योंकि ये सारे उष्ण विरात्मक द्रव्य हैं, ये क्या करते हैं कि ये द्रव्य सोचते हैं कि अच्छा हमारा पित्त वहां पे रुका हुआ है, चलो हम उसको आजाद कराएंगे, हम उसका रास्ता खोलेंगे। तो ये त्रिवित है, दंती है, कुटकी है, जयपाल है, ये फ्रेंडली मेडिसिन है, ये फ्रेंड्स है पित्त के। ये क्या करते हैं कि रास्ता ब्लॉक है ना, चल हम लोग जाते हैं और कफ को निकाल देंगे, कफ ने उसका रास्ता ब्लॉक किया है ना, वो अभी दुश्मन की तरह वहां पे बैठा है, उसको निकाल देंगे, वायु को भी निकाल देंगे, और इतने उष्ण विरात्मक होते हैं कि पित्त को जो अटका हुआ पित्त है उसको निकाल देते हैं वहां से, कोष्ठ मतलब जो शाखाश्रित है उसको कोष्ठ में ला देते हैं और विरेचन करके निकाल देते हैं कि उसको उसका शरीर जो है मतलब पित्त जो है वह दूषित ना हो। और उसी तरह से उष्ण तीक्ष्ण और कटु रस के और लेखन द्रव्य जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा उपयोगी रहते हैं। अब उष्ण तीक्ष्ण कटु रस के और लेखन द्रव्य वो कफ को रास्ता को ठीक करते हैं, आम का पचन करते हैं, और इसी तरह से कफ के कारण उत्पन्न हुआ अवरोध को दूर करने में मदद मिलती है। तो कटु रस, उष्ण विरयात्मक, तीक्ष्ण द्रव्य और लेखन करने वाले जो कफ का लेखन करते हैं, क्योंकि रास्ता को खोलना बहुत जरूरी है। कफ जब तक रहेगा तब तक रुत्पद्म कामला रहेगा और शरीर असाध्यावस्था में जा सकता है अगर इलाज नहीं किया गया। इसलिए वैद्य जो रहते हैं वो ऐसे द्रव्य की योजना करते हैं कि कफ का रास्ता पूरी तरह से निकल जाए, कफ पित्त जो है वो अपने रास्ते में आने लगे। इसीलिए विविध ताम्रकल्प का प्रयोग करते हैं, ताम्र जो रहता है वो खुद ही उष्ण रहता है, तीक्ष्ण रहता है, लेखन कार्य करता है, कफ का शमन करता है और कटु रसात्मक रहता है। तो शुद्ध ताम्रपस में ताम्र के जो कल्प हैं जैसे आरोग्य वर्धिनी वटी है उसमें नीम है, कुटकी है, ताम्रपस में ये आरोग्य वर्धिनी वटी जो है वो बहुत अच्छा इसमें चिकित्सा करती है, वह अवरोधात्मक संप्राप्ति को भंग कर देती है और पेशेंट को पित्त को आराम से आने देती है। वो कुटकी जो है वो पित्त का स्त्राव अच्छे से करती है, उसमें ऐसा प्रभावशाली कुटकी है, नीम है, जो पित्त का पूरा जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको खोल देती है। इस तरह से सुशेखर रस है वह भी पित्त का जो सामता है उसको पचा देती है, रास्ता का अवरोध को ठीक कर देती है, पित्त अपने आप सिक्रीट होने लगता है। कफ कुठार रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, ये बहुत अच्छा त्रिभुवन कीर्ति रस जो है वो कफ और वात की संप्राप्ति को भंग करता है क्योंकि इसमें वत्सनाभ है, बचनाग है। इसी तरह से त्रिकटु चूर्ण है, शुंठ मरीच पिपली है, ये कटु रसात्मक रहते हैं, तीक्ष्ण रसात्मक, उष्ण रहते हैं, कटु रसात्मक रहते हैं, तीक्ष्ण रहते हैं, उष्ण रहते हैं, लेखन कार्य भी करते हैं और कटु रस के भी रहते हैं। इसलिए त्रिकटु जो है वो शुंठ मरीच पिपली इसको तीन तीन मात्रा में सुबह शाम देते हैं तो ये कफनाशक है, अवरोध दूर कर देता है। कुमारी असम नंबर 1 जो है, कुमारी जो है वो भेदन कार्य करती है
और पित्त का स्राव अच्छे से करती है और यकृत को उत्तेजना देती है, इसलिए कुमारी कुमारियासव नंबर 1 ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मार्गावरोध को दूर करके रास्ता खोल देते हैं, आजाद करते हैं कि पित्त तू आ जा अपने रास्ते में आ जा, तो इसमें पित्त जो है अंतर में आना शुरू हो जाता है। फिर पुरुष को उसका प्राकृत रंग आने लगता है और हमें पेशेंट में देखने को मिलता है कि पित्त के वजह से जब पित्त आने लगता है, सिक्रीट होने लगता है, वो उसको अच्छा लगता है कि हाँ अब मेरा रास्ता खुल गया, तो वह पुरुष को कलर देने लगता है। फिर पुरुष जो है संघात युक्त होने लगता है और इस तरह से पीलापन आने लगता है, लेकिन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है क्योंकि पित्त जो है वह पूरी तरह से अभी भी शाखाश्रित है, कोष्ठ में आने लगा। इसका मतलब ये नहीं कि कामला ठीक हो गए, तब हमें बहुपित्त कामला की चिकित्सा करनी पड़ती है, तो इसमें विरेचन बार बार देना पड़ता है हमें। उसी तरह से यकृत को सुधारना पड़ता है, यकृत का कार्य जो है बिगड़ गया है उसको ठीक करने के लिए आरोग्य वर्धिनी, कालमेघ चूर्ण, कुटकी का चूर्ण, ये सब देना पड़ता है कि यकृत का कार्य अच्छा होने लगे। इसी तरह से अर्बुद अगर हो गया, कृमि हो गए, अर्बुद का अगर हमें चिकित्सा करना है तो मांस पाचक देना पड़ता है, ताम्र भस्म, हीरक भस्म जो कैंसर के दवाई है, बिनाइन ट्यूमर रहा तो उसमें ग्रंथि पाचक पट्टी देते हैं, रौद्र रस देते हैं, कुछ कुछ ताम्र परपट्टी वगैरह जैसे द्रव्य देते हैं जो बिनाइन ट्यूमर में काम करते हैं। कैंसरस ट्यूमर हुआ तो इरमुंगली घृत हो, व्याघ्र एरंड, उसका कुछ देते हैं दवाइयां, जैसा व्याधि उतना वैसा अर्बुद की चिकित्सा करते हैं। उसी तरह से कृमि है तो कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, कृमि घृगन का काढ़ा, विडंगा रिष्ट, करंज तेल, नीम तेल उसका बस्ती देते हैं, मतलब वो हमने कृमि को मारने की आशापकर्ष, वो जो बोलते हैं ना कृमि की चिकित्सा करनी है तो निदान परिवर्जन, आशापकर्षण और शोधन, ऐसे हम जो चिकित्सा करते हैं उस तरह से हम लोग जब चिकित्सा करते हैं तो वो पूरी तरह से कृमि की संप्राप्ति भंग हो जाती है। इसी तरह से रुत्पत कामला में मूल कारण संक्षेपता क्रिया को निदान परिवर्जनम, सबसे अच्छा क्रिया योग क्या है तो निदान परिवर्जन करना, निदान परिवर्जन नहीं होगा तो रुत्पत कामला ठीक नहीं होगा। इसलिए रुक्ष पदार्थ बंद करना है, तेल वाले पदार्थ बंद करना है, गुरु पदार्थ बंद करना है, फिर उसके बाद में शीत पदार्थ बंद करना है, फिर मिठाइयाँ वगैरह बंद करना है, जो जो कारण से वो हुआ है वह सब पूरी तरह से हमें बंद करना, दिनचर्या को अच्छा करना है, रात्रिचर्या को अच्छा करना है, लघु संतर्पक कारक आहार विहार का सेवन करना है, इस तरह से हम लोग निदान परिवर्जन करते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर मूल कारण नहीं आपने निकाला तो चिकित्सा कभी सफल नहीं हो सकती है। आयुर्वेद का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लंघन होना चाहिए, आम का पचन होना चाहिए, दीपन पाचन होना चाहिए, और जो भी व्याधि है उसमें अग्नि को बढ़ाने की चिकित्सा होनी चाहिए, शोधन होना चाहिए। आप मृदु विरेचन करा सकते हैं या तीक्ष्ण विरेचन करा सकते हैं, पेशेंट का बलाबल और व्याधि के बलाबल के हिसाब से आप लोग द्रव्यों का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से पथ्यापथ्य में हम लोग इसमें क्या करते हैं कि पित्त बढ़ा हुआ है तो हम लोग रोगी को मधुर रस प्रधान आहार देते हैं, जैसे गन्ने का रस देते हैं, मधुर रस प्रधान, ऐसा नहीं कि आप हलवा पूड़ी देने लगे, इसमें गन्ने का रस देते हैं जो पित्त की उष्णता तीक्ष्णता को बैलेंस कर दे, और गन्ने का रस जो है ज्यादा मात्रा में देते हैं तो सारक भी है, पित्त मधुर तिक्त कषायसात्मक द्रव्य ही देना है, लेकिन हमें गुरु पदार्थ नहीं देना है कि हलवा पूड़ी और मिठाइयां देने लगे 1-1 किलो, वो नहीं। गन्ने का रस सारक भी है, बल भी देता है और तर्पण कार्य भी करता है, रस और रक्त में जो बढ़ा हुआ पित्त है उसको बैलेंस करता है। इसी तरह से मधुर रस का प्रयोग करते हैं, और दूसरा है कि मधुर रस जो रहता है वो बहुपित्त कामला में ज्यादातर देते हैं, रुद्भत कामला में, मतलब जो सेकंड स्टेज है रुत्पत कामला का स्टेज जाने के बाद जब बहुपित्त कामला का स्टेज आता है तब गन्ने का रस देना चाहिए। अगर आपने रुत्पत कामला के स्टेज में मधुर रस का प्रयोग करना शुरू कर दिया, गन्ने का रस दिया, तो वो कफ को और बढ़ाएगा, कफ को और बढ़ाएगा तो कफ को और बल मिलेगा और वह रुत्पत कामला को और संप्राप्ति बढ़ाएगा, रोध जो स्त्रोतोरोध है वहां पे पित्तवाहिनियों को वो स्त्रोतोरोध और बढ़ेगा। मैंने जो इक्षुरस का सेवन बताया वो बाद के अवस्था में बताया, बहुपित्त कामला के अवस्था में जब वो आ जाता है सेकंड स्टेज में, जब हम कुटकी जैसे द्रव्य दे रहे हैं, आरोग्य वर्धन सूत्र शेखर दे रहे हैं, जब रुत्पत कामला से बहुपित्त कामला हो गया तब देने के लिए बताया है। इसी तरह से ये हमेशा याद रखें, चिकित्सा का ये बारीक बारीक छोटे छोटे पॉइंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। रुत्पत कामला में हमें स्निग्ध पदार्थ, गुरु पदार्थ, कफ कारक पदार्थ, भले वो गन्ने का रस दिए, उसको वर्ज्य करना है हमें। और दूसरा क्या है कि खाने में हम लोग क्या दें, तो गेहूं का चीजें दें, गेहूं के बनाए हुए हल्के सुपाच्य और अग्नि के हिसाब से दें, जितना पचता है उतना ही दें, ज्वार बाजरा इनका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पपीता खाना जो रहता है वह बहुत अच्छा रहता है, पपीता गर्म रहता है तो वो रुत्पत कमला में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से हम लोगों को अग्नि का बल देख के अग्नि को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए और बल की प्राप्ति होने का ये कोशिश करना चाहिए।
अब मैं आप लोगों को जो बताऊंगा ये हमारे सर का जमदग्नि सर के नोट्स से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें अगर इसका प्रयोग करना है रुतपत कामला में तो हमें क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से चिकित्सा करना चाहिए वह हमें देखना जरूरी है। तो हमें ताम्र भस्म जो है वो 60 ग्राम 60 mg 60 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम दो दो टाइम देना चाहिए, तो इससे बहुत अच्छा ताम्र भस्म से फायदा होते हुए देखा गया है। इसी तरह आप लोग को जो भी डाउट है ना आप लोग इनबॉक्स में लिखिए, मैं जो बता रहा हूँ मेरे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से बता रहा हूँ, इनका प्रयोग करेंगे ना जो कल्प मैं बता रहा हूँ कैसे प्रयोग होता है इसका प्रयोग करेंगे तो आपके प्रैक्टिस और चार चांद लग जाएगा, आपका प्रैक्टिस और अच्छा होगा। तो इसीलिए ना हमें ताम्र भस्म का प्रयोग करना चाहिए। चरकाचार्य जी ने बोला है कि रुक्ष पदार्थ शीत पदार्थ गुरु पदार्थ मधुर द्रव्यों का अति सेवन करना, अभिसंधि पदार्थों का सेवन करना, फिर अति व्यायाम करना जो वायु का प्रकोप करता है, अति व्यायाम करना, वेग धारण करना, इससे वायु और कफ प्रकोपित हो जाते हैं और वायु जो है उसके वजह से जो कफ है वो उसको स्त्यानता मिलती है, कफ जो रहते हैं बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है स्त्यान हो जाता है और लीन होके वहां पे मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति कर देता है। इसीलिए जो मल प्रवृत्ति होती है तिल पिष्ट निभ होती है, इसीलिए पुरुष को छोड़कर त्वचा नख नेत्र मूत्र ये सारे पीले रंग के होने लगते हैं और इसके साथ में पचन क्रिया जो रहती है वो बिगड़ जाती है क्योंकि पित्त नहीं आ रहे, इसलिए उदर गौरव होता है, पेट ऐसे फुला फुला रहता है, थोड़ा भी खाया ना पेट फूल जाता है, उदर गौरव होता हैवीनेस आता है, आधमान भी होगा उदर गौरव भी होगा, उदर शूल होगा पेट में दर्द होगा क्योंकि पचन क्रिया नहीं हो रही है, वायु जो है वो यहाँ पर जहाँ प्रकोपित है लेकिन वो उदर शूल भी करेगा बहुत ज्यादा, मलावरोध भी करेगा, तंद्रा भी करेगा बहुत तंद्रा ड्राउजीनेस आने लगता है, दुर्बलता भी आ जाती है क्योंकि यहाँ पे नरिशमेंट नहीं हो रहा है, वायु जो है ना एक जगह रास्ता बिगाड़ दिया ना तो वो दूसरे जगह भी पूरे शरीर को भी इम्बेलेंस करता है, इसीलिए उदर गौरव आधमान उदर शूल मलावरोध तंद्रा दुर्बलता ये सारा वायु सब जगह इम्बेलेंस करेगा क्योंकि शैतान बच्चा है, शैतान बच्चा शैतानी करेगा, इधर भी करेगा उधर भी करेगा उधर भी करेगा सब जगह शैतानी करता है। इसी तरह से हमें यह भी देखना है कि पित्त का उष्णत्व और तीक्ष्णत्व वह बढ़ाने वाली चीजों का भी सेवन किया जा रहा है क्या, पित्त जो है अगर और क्योंकि कामला है रुद्रपद कामला है लेकिन कामला तो है तो इसमें अगर व्याधि होने के पहले अगर बहुत ज्यादा तेल मिर्ची मसाला और गरम मसालों का सेवन बहुत ज्यादा किया गया, अजीर्ण में अध्यक्षण किया गया मतलब पहले का खाना पचा नहीं फिर से खा लिया गया तो पित्त का प्रकोपित करने का भी कारण कर, रात्रि जागरण किया क्रोध बहुत ज्यादा किया फिर चाय का सेवन किया तंबाकू गुटखा खाया स्मोकिंग किया अल्कोहल पिया ये पित्त को भी प्रकोपित करने वाले हैं। तो इसीलिए हमें ना ये हमें पित्त का भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए कि क्या हेतु का सेवन हुआ है। इसी तरह से हमें ना अब यहाँ पे रुत्पत कामला में शीत पदार्थों की सेवन करने की इच्छा होती है क्योंकि दाह बहुत ज्यादा रहता है और मधुर तिक्त शीत पदार्थों की खाने की सेवन करने की इच्छा हो जाती है। तो इसमें हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पे स्नेहन करना है ना, स्नेहन अगर हमने किया तेल वगैरह दिया तेल खाने का मन करेगा पेशेंट को, तला हुआ चीज खाने के ये कामला व्याधि है, इसमें ना ऐसा लगता है पकोड़े खा लो, इसमें लगता है तला हुआ कुछ पूरी खा लो पूरी भाजी खा लो ऐसा मन करता है क्योंकि शरीर में जो है ना रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है, रुक्ष गुण वायु रुक्ष गुण से बढ़ा है और दाह पाक हो रहा है और कफ भी विकृत है तो वही चीज खाने का मन करता है कि वो व्याधि और हो, तो इसीलिए ना तला हुआ चीज खाने का मन करता है। तो अब क्या है ना कि पृथ्वी और आप महाभूत है उसका स्नेहन और अभिषंद गुण जो होता है उसका ह्रास हो जाता है और इसके वजह से आमाशय जो कफ का स्थान है वहां पे पृथ्वी और आप का शोषण अच्छे से नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे कफ विकृत है, इसीलिए महाभूतों में रुक्षत्व आ जाता है अगर पंच महाभूतिक चिकित्सा हम लोग उससे देखें तो। पित्त शमन का कार्य करने वाले कषाय तिक्त मधुर रस के पदार्थ जो है ना वह क्या करते हैं कि शीत रुक्ष और गुरु पदार्थों का जब सेवन किया जाता है हेतु के रूप में तो रुक्षता और आ जाती है और दोष जो है ना आंत्र में उतरते ही नहीं है, इंटेस्टाइन में आ ही नहीं पाते और यकृत में उत्पन्न होने वाला जो पित्त है वो आंत्र में ना आके हृदय द्वारा मतलब वो फिर जाता है हृदय में जाता है यकृत से हृदय में जाता है डायरेक्ट और वहां से वो पूरा शरीर में फेंका जाता है व्यान वायु से, तो उसके वजह से पूरे शरीर में पीलापन आ जाता है और इसके वजह से उष्णता और तीक्ष्णता शरीर में बढ़ जाती है, दुर्बलता आने लगती है, मल प्रवृत्ति जो रहती है वो तिल की तरह तिल के पिंडी की तरह आने लगती है और पूरा शरीर में पीलापन आ जाता है। तो इसमें ना तेज महाभूत है वह भी विकृत हो जाता है और इसीलिए विकृत होने से उदर गौरव आधमान उदर शूल ये सारे लक्षण आ जाते हैं।
तो हमें चिकित्सा करना है ना, तो सबसे अच्छा चिकित्सा रुत्पत कामला में फल त्रिकादि काढ़ा, इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसमें बता रहे हैं कि फल त्रिकामृतेन तिक्त निम्बक कैरात वासी कही, मतलब फल त्रिकादि कुटकी नाम की वनस्पति है, उसका कार्य है भेदन कार्य करना। वह क्या करती है कि पृथ्वी और आप महाभूत जो विकृत है उसका रास्ता को बैलेंस कर देती है। उसी तरह से फल त्रिकादि क्वाथ में जो कुटकी है वो आम में संचित जो मल है उसको कुटकी पचा देती है, दीपन पाचन कार्य भी करती है और मल का भेदन कार्य करके मल को निकालने का काम करती है, क्योंकि मलावष्टम्भ भी रहता है रुद्पत कामला में, तो मल को अच्छे से निकालना एक तरह से दोष धातु मल को बैलेंस करती है। इसलिए कुटकी का प्रयोग करना फल त्रिकादि क्वाथ में सर्वश्रेष्ठ है। उसमें त्रिफला डाला है तो त्रिफला मल शुद्धि करता है और यह रसायन का भी कार्य करता है, धातुओं को बल देता है, अच्छा रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, इसलिए त्रिफला का प्रयोग करते हैं फल त्रिकादि क्वाथ में। इसी तरह से गुड़ुची है, गुड़ुची रसायन गुण का रहता है और नीम और किरातिक्त द्रव्य है, गुड़ुची नीम और किरातिक्त ये पित्त का शमन करते हैं, पित्त का उष्णता तीक्ष्णता ये जो, क्योंकि पित्त भी प्रकोपित हुआ है, वह शैतान बच्चों ने उसका रास्ता रोक दिया तो वो शैतान शांत बैठने वाला नहीं है, वो उष्णता तीक्ष्णता से बढ़ जाएगा और शाखाश्रित हो जाता है, विमार्गमित हो जाता है, उसको वायु ने ले जाके दारू पिला दिया तो वो और मस्ती करेगा, इसलिए वो पित्त का दाह और ये जो तृष्णा ये सारे सिम्टम कम होने चाहिए, पूरा शरीर में फैल के धिंगाना कर रहा है वो, उसको कम होना चाहिए। तो गुड़ुची है, किरातिक्त है और नीम है, ये पित्त का शमन करते हैं। इसी तरह से हरितकी जो है वो भी डाला हुआ है फल त्रिकादि क्वाथ में, त्रिफला में जो है हरितकी जो है और कुटकी है ये मल का भेदन करके पित्त का शमन करते हैं, नीम और किरातिक्त है पित्त का शमन करते हैं। इसी तरह से गाय का दूध जो रहता है, दूध के मतलब कामला का जो रोग रहता है उसमें दूध देते हैं, क्योंकि दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानि, दूध बल भी देता है और विरेचन कार्य भी करता है, दूध का कार्य रसायन का रहता है, इसलिए दूध देना रुत्पत कामला में देना सर्वश्रेष्ठ है। इसी तरह से एरंड का पत्ते का स्वरस जो रहता है, कैस्टर लीव्स का स्वरस जो रहता है वो 3-3 दिन तक हम लोग देते हैं, तो इससे क्या होता है मार्गावरोध, क्योंकि जो एरंड है वो उष्ण तीक्ष्ण रहता है और यकृत को उत्तेजना देता है और मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति को भंग कर देता है, इसलिए रुत्पत कामला में एरंड के पत्ते का स्वरस देना बहुत अच्छा रहता है, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से फल त्रिकादि का ही गुगुल में डाल के, फल त्रिकादि गुगुल करके गोलियां आती है, इसका प्रयोग भी करते हैं सुबह शाम, दो दो गोली सुबह शाम, तो बहुत बढ़िया काम करता है। रुत्पत कामला में सोमनाथी ताम्र भस्म जो रहता है वह क्या रहता है कि वह मतलब अम्ल रहता है, थोड़ा सा किंचित अम्ल रहता है, कटु रसात्मक रहता है, कषाय रसात्मक रहता है, मधुर रहता है और सूक्ष्म सारक रहता है, मतलब वो यकृत को उत्तेजना देता है, स्टिमुलेट करता है कि अपना कार्य अच्छे से कर, पित्त को अच्छे से निकाल, और दूसरा है वो क्या करता है लेखन कार्य करता है, तो जो सीबीडी जो रहता है सेंट्रल बिलियरी डक्ट उसका लेखन करके रास्ता को खोल देता है, कफ और वायु को अच्छे से रास्ते पे निकालने लगता है, पित्त का सिक्रीशन अच्छे करना था, इसलिए ताम्र का जो रोल है कफ का लेखन कार्य करना, स्त्रोतोरोध को दूर करना, यकृत को उत्तेजना करना, पित्त का स्त्राव अच्छा करना, इसलिए ताम्र भस्म का प्रयोग बहुत अच्छा फायदा रहता है। इसमें 3 बार अगर 60-60 मिलीग्राम की मात्रा में ताम्र भस्म का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है, इससे पेट साफ अच्छे से होने लगता है, पित्त का स्त्राव अच्छे से होने लगता है और कामला में बहुत अच्छा फायदा होता है। और अब क्वेश्चन आता है कि ताम्र भस्म छोटे बच्चों को और गर्भवती स्त्री को यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बहुत सारे वैद्य लोग बोलते हैं कि करना चाहिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन मात्रा कम होना चाहिए, ज्यादा मात्रा में देंगे तो उल्टी आएगा, उत्क्लेश करता है, बहुत कम मात्रा में दे, तो इसीलिए ताम्र के योग जो है जैसे कि आरोग्य वर्धिनी बटी जो ताम्र भस्म से बनाया हुआ है उसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और जब ये कामला ठीक होता है, रुत्पत कामला ठीक हो जाता है, तो ये अपुनर्भव चिकित्सा भी हमें देना पड़ता है, इसलिए हमें फिर से न हो तो हेतु सेवन बंद कराना है और च्यवन प्राशावले उसका प्रयोग कराते हैं। रुत्पत कामला में और द्रव्य हैं तो प्रवाल भस्म, काम दुधा, सुरशेखर रस, प्रवाल पिष्टी, शंख भस्म, मंडूर भस्म, ये सारे द्रव्य हैं ना इसका योजना करते हैं तो पेशेंट बहुत अच्छे तरह से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि कषाय रसात्मक मंडूर भस्म रहता है वो रक्त धातु को अच्छा करता है, रक्त व स्त्रोतस को बल देता है, मंडूर भस्म का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है, और ताप्यादि लौह, नवायस लौह ये सबका कार्य बहुत अच्छा रहता है, तो इसीलिए दोष दूष्य संमूर्छना भंग करना और फिर उसको और आगे सक्सेसफुल टिकाए रखना, इसके लिए ये सारे द्रव्यों का प्रयोग करते हैं और फिर से वो पैथोलॉजी ना हो इसलिए हम लोग को चिकित्सा, और कृमि का फिर से अटैक ना हो इसलिए हमें कृमि की चिकित्सा तो करनी ही पड़ती है, वहां पे कृमि का प्रकृति विघात, आशापकर्षण और निदान परिवर्जन जो ये रहता है वह सब करना ही पड़ता है, तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है।
मैंने आप लोगों को थोड़ा हाई लेवल में पढ़ाया, आप लोगों को मेरा पढ़ाना कैसा लगा है कृपया आप लोग इनबॉक्स में लिखिए। मैंने थोड़ा हाई लेवल पे रुतबत का मामला पढ़ाया, इसको मैं सिंप्लीफाई करने का कोशिश कर रहा था लेकिन थोड़ा हाई लेवल पे चला गया। तो आप लोग को जो भी प्रश्न है वो इनबॉक्स में लिखिए, मैं उसका शंका दूर करने का कोशिश करता हूँ। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। रुतपत कामला जो है ना, उसका चिकित्सा जो है बहुत श्रेष्ठ चिकित्सा रहती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मजा आता है, क्योंकि हमको ये समझ आ जाता है कि ये व्याधि किस तरह से हुई है, इसका संप्राप्ति कैसे भंग करना है, बहुत मजा आता है। जी आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, इसलिए मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे हैं मेरे से, डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो मुझे उसका आंसर देने में बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर लक्ष्मी जी बोल रहे हैं कि सर एक लेक्चर इन्वेस्टिगेशन पे भी लीजिएगा। जरूर मैं लूंगा, क्योंकि हम आज मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं, हमारे पास ये इन्वेस्टिगेशन लेके ही पेशेंट आते हैं। अगर हमको इन्वेस्टिगेशन ही नहीं समझेगा कि ये SGOT क्या होता है, SGPT क्या होता है, LFT क्या होता है, बिलीरुबिन बिलीएट्रिन बाइल सॉल्ट्स, अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरुमिया, ये सब क्या है, वो हमें मालूम ही नहीं होगा तो हम करेंगे क्या। हमें मॉडर्न का भी जानना जरूरी है, आयुर्वेद का भी जानना बहुत जरूरी है। अनकॉन्जुगेटेड ये जो रहता है बिलीरुबिन या कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ये क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। शिवम आयुर्वेद जी बोल रहे हैं कि प्लीज किडनी फेलियर और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पर एक लेक्चर लीजिए। आपको जो भी लेक्चर लेना है ना, मेरा मेरे से सुनना है, तो आप वैद्य नवीन जोशी सर हैं उनको मैसेज करिए, तो नवीन जोशी सर वो मेरा लेक्चर अरेंज कर देंगे, तो मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि ये आयुष दर्पण के डायरेक्टर प्रोड्यूसर फाउंडर सब नवीन जोशी सर हैं, वो जो मुझे बोलते हैं वो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप जो पढ़ना चाहते हैं मैं पढ़ा सकता हूँ, मुझे उतना मैं है एबिलिटी कि मैं पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। डॉक्टर विकास जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रंजीता कश्यप जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन जी बोले धातु अग्नि मंद में दीपन पाचन के साथ और क्या दें जिससे पेशेंट जल्दी रिकवर हो। तो देखिए धातु अग्नि मंदता है तो आरोग्य वर्धनी बहुत अच्छा काम करता है, काली मिर्च जो है बहुत अच्छा काम करता है। धातु अग्नि मंद पे ही काली मिर्च का त्रिकटु इसलिए देते हैं, पंचकोल चूर्ण देते हैं, त्रयोष्ण देते हैं, मतलब चतुरुष्ण देते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। इसके साथ में हमें दीपन पाचन और करना है तो हम लोग आसवरिष्ट का प्रयोग करते हैं, द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, क्योंकि अनुलोमन भी करता है, अभयारिष्ट, अमृतारिष्ट, ये सब का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक है, पित्त प्रधानता में दीपन पाचन कैसे करना चाहिए। पित्त प्रधानता अगर है ना, तो हमारे पास जो सुधा कल्प है, क्षारीय द्रव है, जैसे प्रवाल पंचामृत है, गोदुग्ध भावित प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टि, शंख भस्म, काम दुधा रस, सुत शेखर रस, ये सब क्या है, वो सब तो उसी के लिए है। मनीषा जी बोल रही है कि इसमें मूत्रल द्रव्य देते हैं क्या। मूत्रल द्रव्य देते हैं, लेकिन मूत्रल द्रव्य का ये रहेगा कि वो पित्त को थोड़ा मूत्र को निकालेगा, लेकिन यहाँ पे रुद्धपद कामला है, ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको निकालने के लिए हमें कटु रसात्मक द्रव्य, उष्ण और लेखन करने वाले कफग्न द्रव्य, ये सब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि रास्ता ब्लॉक है, हमें मेन तो संप्राप्ति भंग करना है, तभी फायदा होगा, है ना। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर लक्ष्मी जी बोल रही हैं कि AKT कितने दिन या मंथ दे सकते हैं। देखिए अमृता गुगुल तो रसायन है, कैशर गुगुल भी रसायन है, त्रिफला गुगुल भी रसायन है, इसको आप बहुत साल बहुत दिन तक दे सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। डॉक्टर अरुण यादव जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर इतिश्री साहू जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर बिंदे शास्त्री जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विश्वनाथ जी नमस्ते, प्रणाम आपको। विश्वनाथ जी ने एक बहुत अच्छा पेशेंट भेजे थे मेरे पास, जिनको ना रक्त का ज्वर हो रहा था, रक्त का ज्वर होने की वजह से उनको ना ये जो HB लेवल बहुत डाउन हो रहा था, प्लेटलेट कम हो रहे थे और बार बार बुखार आ रहा था, तो वो मेरा दवाई लेके आए और लेके 1 महीना बाद आए, तो वो बोल रहे हैं कि HB लेवल तो ठीक हो रहा है लेकिन बुखार नहीं आ रहा, मतलब रक्त पाचक का इतना अच्छा रोल रहा। मैं ये केस आपको इंटरेक्टिव सेशन में बताऊंगा, बहुत अच्छा केस सॉल्व हो रहा है, बहुत अच्छा मजा आ रहा है। मैं आप वो केस जब बताऊंगा ना, तो आपको भी लगेगा कि आयुर्वेद का जो थ्योरी है, मतलब जो अपना मौलिक सिद्धांत है, इतना बढ़िया काम करता है, जो बड़े से बड़े आप लोगों को मालूम है ब्लड कैंसर के पेशेंट होते हैं, वो ज्यादातर अपने रक्त व स्रोतस के अवरोध की ही संप्राप्ति रहती है, और एलोपैथी के डॉक्टर बोलते हैं ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर वगैरह कुछ नहीं होता, वो आयुर्वेद के हिसाब से कभी कभी रुतपत कामला होता है, कभी कभी रक्त व स्रोतस की व्याधि रहती है, रक्त प्रदोषज रोगा ऐसा जो बताए वही रहता है, हम रक्त को शुद्ध करते हैं और वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। मैं ऐसे केसेस आप लोगों को बताऊंगा तो आपको और मजा आएगा,
और आप लोग भी ऐसे समझ के जब केसेस करेंगे ना, तो बड़े से बड़ा ब्लड कैंसर के पेशेंट ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर मनीषा जी बोल रही हैं कि धन्य हो आप सर, आपके गुरु, आप दोनों की वजह से हम धन्यवाद हो गए, आपका परिश्रम हमारे ऊपर जो कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा, ये दुआ प्रार्थना जरूर करेंगे। जय देव गुरुदेव। थैंक यू मनीषा जी। कविता जी बोल रही हैं कि हम एकलव्य के लाइव द्रोणाचार्य के रोल के बारे में सुना था, आज आपके रूप में देख लिया। थैंक यू। आप लोग ऐसे विचार रखते हैं, आप लोग ना केवल ऐसे भक्ति में मत रहिए, आप कार्य एग्जीक्यूशन करिए, आप पेशेंट ठीक करिए, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। केवल ये भक्ति नहीं करना कि गुरु भक्ति करो गुरु भक्ति करो, व्यक्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए, आप ना ज्ञान की पूजा करिए। और मेरे मेरे ही पूजा नहीं चाहिए आप, मुझे मुझे चाहिए कि आपका प्रैक्टिस अच्छा रहे। मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि आप मेरा भक्ति करें, मेरा आप लोग कुछ ऐसे बोले, मुझे ये अपेक्षा नहीं है। मैं चाहता हूँ आप ज्ञान की पूजा करिए और आयुर्वेद की पूजा करिए और आयुर्वेद की चिकित्सा करिए, वो ज्यादा सफल हो जाएगा। डॉक्टर सुनीता जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर गौरव खुराना जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रंजीता जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर आरके मिश्रा जी बोल रहे हैं कि आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। हाँ मैं इसलिए समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में क्योंकि ये कफ वायु ये क्या है इसको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहिए। हाँ डॉक्टर विश्वनाथ जी बोल रहे हैं कामला में इक्षुरस क्यों देना है, बहुपित्त कामला अवस्था में इसलिए देना है क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है बहुपित्त कामला में, रुद्रपित्त कामला में नहीं देना है, बहुपित्त कामला में देते हैं क्योंकि उसमें दाह होता है, बर्निंग होता है, उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी हुई रहती है, तो हमें इक्षुरस देने से वो दाह कम होता है। पित्त का शमन करने के लिए मधुर रस तिक्त रस कषाय रस का प्रयोग करते हैं, इसलिए इक्षुरस है। और इक्षुरस जो है वो विरेचन करता है, कामले ही तो विरेचन ही, आप ना 2 लीटर गन्ने का रस पी लीजिए आपको अच्छे से विरेचन हो जाएगा, इसलिए इक्षुरस देना है। रुत्पत कामला में जब हम लोग रुत्पत कामला ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में जब हम लोग लेखन द्रव्य देते हैं कटु तीक्ष्ण वगैरह द्रव्य देते हैं तो वो सारा पित्त जो है कोष्ठ में आने लगता है और वह बहुपित्त कामला में सेकंड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, तब हमें इक्षुरस देना है। शुरुआत में अगर हम लोग इक्षुरस देना शुरू करें कफ को और वो बल देगा और वो और मतलब अवरोध करेगा और वह संप्राप्ति और बढ़ जाएगी, इसलिए इक्षुरस रुत्पत कामला की स्टेज में बिल्कुल नहीं देना है, बहुपित्त कामला के स्टेज में देना है। आपको समझ गया होगा मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य पित्त का शमन करते हैं, ठीक है। डॉक्टर ताराचंद जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर वैशाली जी बोल रहे हैं कि ताम्रभस्म किसके साथ दे, तो ताम्रभस्म हम लोग कैसे देते हैं, हम लोग मूली का स्वरस जो रहता है उसके साथ देते हैं, एरंड पत्र के स्वरस के साथ देते हैं, कुल्थी का स्वरस या कुल्थी का काढ़ा के साथ देते हैं या मधु के साथ भी देते हैं हम लोग ना, आप अनुपान बदल बदल के दे सकते हैं। ताम्रभस्म में शहद के साथ देंगे तो क्या प्रॉब्लम है, और कम मात्रा में ही देना है, और पेशेंट टू पेशेंट वो डोज जो रहता है, मैंने 60 mg का आप उसको और कम कर सकते हैं, 10 mg दे सकते हैं, 2 mg दे सकते हैं, पेशेंट को हुरलास नहीं होना चाहिए, नौशिया नहीं होना चाहिए। ताम्रभस्म का डोज जो रहता है वो हर पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है, गर्भिणी को देना है और उसको अगर ऐसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया है तो एक एक गोली आरोग्यवर्धिनी दूध के साथ दे दीजिए, बच्चे को अगर हुआ है तो आधा गोली या 1/4 गोली सुबह शाम आरोग्यवर्धिनी दे दीजिए। हमें ना पेशेंट टू पेशेंट वो डोज है वो डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। डॉक्टर अजय जी बोल रहे हैं कि इस मामले में हम क्या इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए, क्या क्या अपनी फाइंड करें, हमें जरूर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, हम हमको नहीं पढ़ना है क्या, हम क्या हमको अब लैपटॉप का यूज नहीं करना पड़ता है क्या, हमको लाइट नहीं चाहिए क्या, हमको बिजली नहीं चाहिए, हम लोग क्यों ना इन्वेस्टिगेशन कराएं, इन्वेस्टिगेशन जरूर कराइए, बिलिरुबिन कितना बढ़ा है, SGOT SGPT कितना बढ़ा है, पूरा LFT कराना चाहिए और ब्लड काउंट CBC कराना चाहिए, ये सब हमें कराना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद का पैथोलॉजी संप्राप्ति समझना है, दोष दूष्य समूर्छना समझना है और आयुर्वेद की चिकित्सा करना है, वो इन्वेस्टिगेशन करने से हमें ये पता चलता है कि मशीन कितना कैच कर पाती है कि SGOT SGPT नॉर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर बिलीरुबिन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सब लोग चरक बाबा जैसे नहीं है कि हमको दिव्य दृष्टि मिला है और पेशेंट ठीक हो रहा है, कोष्ठ में आ रहा है वो दिख रहा है और वो मल से निकल रहा है विरेचन से निकल, हम इतना चरक संहिता चरक मुनि जैसे बहुत ज्यादा दिव्य दिव्य दृष्टि वाले नहीं है, हम अंतर्यामी नहीं है, हमें तो मॉडर्न ये सबका जो इन्वेस्टिगेशन उससे ही पता चलेगा कि आफ्टर 1 month क्या इंप्रूवमेंट हुआ, सिम्टोमेटिकली रिलीफ हो रहा है और पैथोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये तो हमें और पेशेंट को जानना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन का एक महत्व है, उसका भी प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर कविता जी बोल रही हैं रुत्पत कामला बहुपित कामला को डिफ्रेंशिएट कीजिए, अभी मैं कितना बार बोल दिया, बहुपित कामला जो है ना उसमें नख नयन वदन मूत्र पुरुष
ये सारे पीला पीला होते हैं, पुरुष भी बहुत ज्यादा पीला रहता है और पीलापन बहुत ज्यादा आता है। रुत्पत कमला में तिल पिष्ट निभ मल प्रवृत्ति ये होती है और पीलापन थोड़ा कम होता है। ठीक है, रुत्पत कमला होता है वायु और कफ के अवरोधात्मक संप्राप्ति से होता है। बहुपित्त कमला पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने से पित्त का ही उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। और रुत्पत कामला सुख साध्य है, वो जल्दी से ठीक हो जाते हैं। उसमें लेखन द्रव्य त्रिभुवन कीर्ति रस दिया, आरोग्य वर्धिनी दिया, सुरशेखर रस दिया, ताम्रभस्म दिया, फल त्रिकादि काढ़ा दिया, वो जल्दी ठीक होके फिर बहुपित्त कामला में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर कामले तो विरेचने, विरेचन करा के हम लोग उसको जल्दी से ठीक कर सकते हैं। तो ये है रुत्पत कामला और बहुपित्त कामला। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप क्वेश्चन पूछिए। सविता जी बोल रहे हैं भू निम्बादी कषाय दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं। अगर वो पित्तज ग्रहणी के समझ के वहां पित्तज ग्रहणी जैसा सिम्टम है, भू निम्बादी कषाय तो बहुत अच्छा काम करता है, जो कामला को ठीक करता है, यकृत को उत्तेजना देता है, पित्त का स्त्राव अच्छा करता है, अग्नि को अच्छा करता है। भू निम्बादी क्वाथ सर्वश्रेष्ठ है, आपने बहुत अच्छा बताया। डॉक्टर कविता जी बोल रही है कि कविता जी बहुत अच्छी श्रेष्ठ चिकित्सक है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछती है। ये बोल रही है पांडु में क्यों स्वेद नहीं आता है, पांडु रोग जो है ना, आप पांडु की संप्राप्ति देखिए कविता जी, उसमें बोला है कि पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने से शरीर का पित्त प्रकुपित हो जाता है। पित्त प्रकुपित होने की वजह से उष्णता तीक्ष्णता इतनी बढ़ती है पित्त की कि वह इंटरनल धातुओं का स्वेदन करता है, बहुत ज्यादा इंटरनल स्वेटिंग होता है, स्वेदन होता है। उसकी वजह से इतना स्वेदन होता है कि पूरा द्रवांश सारे धातुओं का, रस का, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सभी का द्रवांश खींच के आ जाता है। तो इसलिए स्नेहांश की कमी होती है, ओज की कमी होती है, मेद उसमें बोला है निस्सारम मेद ओज शीतलेंद्रिय, इंद्रिया मतलब सारे इंद्रिया है वो शिथिल हो जाती है, धातु शिथिल हो जाते हैं, स्नेहांश की कमी हो जाती है। इसलिए हम जब चिकित्सा देते हैं पांडु की, तो हम लोग घृत का सेवन करा के विरेचन कराते हैं, पित्त को निकालना जरूरी है, क्योंकि पित्त जो है वो बहुत ज्यादा गर्म गुस्से वाला इंसान है। पित्त को अगर आपने प्रकोपित किया ना तो शांत नहीं बैठेगा, पूरा द्रवांश को खींच लेगा। सूर्य जब रहता है, जब गर्मी आती है, आप लोग देखेंगे सूर्य जब गर्मी के दिन में पूरा बॉडी का स्नेहांश खींच लेता है। पित्त जिस तरह से सूर्य है, पित्त का हम लोग बोलते हैं कि पित्त बढ़ाने के लिए मतलब जो तत्व है तेज तत्व, उसका प्रधान क्या है तो वो सूर्य है। उसी तरह से शरीर में पित्त तत्व जो है तेज महाभूत प्रधान है, वह क्या करता है स्नेहांश को खींचा खींच लेता है। इसलिए स्वेद प्रवृत्ति नहीं हो, क्योंकि इंटरनल स्वेटिंग ही इतनी ज्यादा हो गई रहती है। ठीक है कविता जी, आपको समझ गया। कविता जी बोल रही है कि कामला के बिना सिर्फ ग्रेड वन हिपेटोमेगली एडल्ट में कौन सा औषध देना है। कामला के बिना अगर हिपेटोमेगली हो रही है तो वो हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पे लीवर की पैथोलॉजी तो विकृत हो रही है। इसलिए कालमेघ चूर्ण, कुटकी चूर्ण, रस पाचक, रक्त पाचक ये देना चाहिए, आरोग्य वर्धिनी ये सब देने, और विरेचन कराना चाहिए, मृदु विरेचन दे, मनुका दे, किशमिश दे, दीपन पाचन कार्य दे। हिपेटोमेगली हो क्यों रही है, उसका कारण है कि स्त्रोतोरोधजन्य संप्राप्ति हो रही है, संग ऐसे संप्राप्ति हो रही है, तो वहां पे स्त्रोतोरोध दूर करना है, आम का पचन करना है, आम ही सब जगह जाके ये सारा चीजें करता है, तो इसलिए आम का पचन, दीपन पाचन द्रव्य देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है डॉक्टर कविता जी इतनी अच्छी डॉक्टर है ना, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ रही है आप ऐसे, और आप सेशन में भी आया करिए और रोज क्वेश्चन पूछा करिए। सविता जी का एक कविता जी, सविता नहीं कविता जी, सर बोल रही है, ये कविता जी बोल रही है कि सर इन कामला हेयर पित्त प्रकोप मीन्स हम कैसे समझ सकते हैं। पित्त प्रकोप का मतलब है कि पित्त के जो गुण है उष्णता, तीक्ष्णता, द्रवता, सरता, विस्त्र गुण, सर गुण, ये सारे विकृत होने लगते हैं, इम्बैलेंस होने लगते हैं। अंशांश कल्पना से हमें समझना चाहिए कि पित्त का कौन सा गुण बढ़ा है। ठीक है, द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, एक मिनट आपका ये, और द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल बिलिरुबिन सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्शन। नहीं, हम लोग यहाँ पर, हमें आयुर्वेद के हिसाब से देखना है कि यहाँ पर संघ संप्राप्ति हो रही है, कफ पित्त वायु, इसके हिसाब से देखिए तो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो रहा है। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि पित्त का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया है। पित्त ही जो है और वायु जो है यही डिस्ट्रक्शन करता है, पित्त का प्रकोप, उष्णता तीक्ष्णता बहुत ज्यादा हो रहा है, और बिलिरुबिन सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्शन ये भी है इसमें। अब क्या है ना कि हमें ना आयुर्वेद के हिसाब से यह संप्राप्ति समझनी है, एलोपैथी के हिसाब से आप समझेंगे कि डिस्ट्रक्शन आरबीसी बिलिरुबिन सर्कुलेशन, तो एलोपैथी के बुक से, हैरिसन की बुक से आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पित्त प्रकोप, यहाँ खिचड़ी मत बनाइए, पित्त प्रकोप और आरबीसी डिस्ट्रक्शन ये मत बनाइए, आप आयुर्वेद के हिसाब से पढ़िए तो ज्यादा अच्छे से समझ।
कविता जी फिर से वही पूछ रहे हैं, SGOT SGPT हम आयुर्वेद के हिसाब से कैसे समझे? ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है चरक संहिता में, SGOT मतलब ये, SGPT मतलब ये एलोपैथी के पैरामीटर से वो SGOT जो एंजाइम से उसको पकड़ के वो लोग देखते हैं, आयुर्वेद वात पित्त कफ से देखते हैं, और हम लोगों ने ऐसा पित्त का, पित्त में ये रहता है SGOT रहता है SGPT रहता है, ऐसा आयुर्वेद में नहीं बोला है। पित्त का जो कंसिस्टेंसी है वो आयुर्वेद के हिसाब से आप समझिए, ठीक है? नहीं तो आप करेंगे तो आपका सब कंफ्यूजन होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें दोनों पैथी को मिक्स नहीं करना है, मिक्सोपैथी नहीं करना है। राम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कविता जी बोल रही हैं कि सर पांडु के लक्षण में अल्प रक्त मेद आचार्य ने बोल दिया, क्यों मांस को छोड़ दिया? क्यों मांस को क्यों ले वो? आपको मुझे ये समझना है, मांस पे मैनिफेस्टेशन होता है, भेक वर्ण ये सब होता है, मेद जो रहता है स्नेहांश वाला रहता है, रक्त तो इसमें रह गए पांडु में क्योंकि रक्त वस्त्रोतस की उसमें है, और मेद में स्नेहांश रहता है, जब पित्त प्रकुपित हो जाते हैं तो मेद से पूरा स्नेहांश को खींचता है, रक्त को तो प्रकुपित कर ही रहा है, मांस जो रहता है मांस में स्नेहांश तो खींचेगा, इसलिए और क्या होता है भेक वर्ण सन्निभा ऐसा है। मांस को क्यों ले जो जरूरत नहीं, उसको क्यों ले, अस्थि को क्यों ले, शुक्र को क्यों ले, जो चीज जरूरत है वही चीज को आचार्य बोलेंगे ना, जो चीज दिखेगा उसी को पकड़ के बोलेंगे। सुबोध वर्मा जी बोल रहे हैं कि सर रुत्पत कामला में यवक्षार सर्पुंखा क्षार भी दे सकते हैं जिससे मार्गरोग दूर हो। आप 1.5 लाख दवाइयां यूज करिए, आयुर्वेद में बहुत सारी दवाएं, यवक्षार है, सर्पुंखा है, जो भी कटु तीक्ष्ण उष्ण लेखन करने वाले कफग्न द्रव्य हैं, और वहां व्याधि प्रतिरिंग दवाएं, आप कितना भी कोई भी द्रव्य यूज करिए लेकिन अच्छा दवाई यूज करिए, ये आपका बात सही है, यवक्षार और सर्पुंखा से फायदा होता है। डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी बोल रहे हैं बांदल के फूल का नस से कामला में कैसे काम करता है? वह जो फूल का नस से जो है ना वो क्या करते हैं, नाशा ही शिरसो द्वारम, नाशा जो है वो शिर का द्वार है, जब नस से देते हैं ना तो पित्त का जो वो डायरेक्ट स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है ना तो वो वहां पे जो अवरोधात्मक संप्राप्ति है उसको भंग कर देता है, और कामला में बहुत अच्छे से वो विरेचन भी होने लगता है, और शाखागत जो पित्त है वो कोष्ठगत आने लगता है, और अवरोधात्मक संप्राप्ति, क्योंकि नासा ही जो है वो पूरा ब्रेन सेंटर का मतलब उसको स्टिमुलेट करता है, तो नस से इस तरह से बहुत बार नासा से हम लोग दवाई देते हैं, इनफर्टिलिटी के केसेस ठीक कर देते हैं, हॉर्मोन्स को बैलेंस करते हैं, क्योंकि ये पूरा ब्रेन पे जा रहा है, ब्रेन ही सारे बॉडी का कंट्रोल करता है, इसलिए ये बंदाल का फूल जो है ना वो नस्य करने से कामला में फायदा होता है। डॉक्टर कविता जी बोल रही हैं कि रुत्पत कामला को हम ब्लड रिपोर्ट्स देखने के बाद कैसे डिसाइड करेंगे? रुत्पत कामला को 2 बार आपने किया, रुत्पत कामला को हम ब्लड रिपोर्ट में देखने से नहीं पता चलेगा, हमें तिल पिष्ट नेभ प्रवृत्ति वो देखते हैं, और पैथोलॉजिकल हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन आ रहा है क्या, ब्लड में इन्फेक्शन है क्या, लिम्फोसाइट बढ़ा है क्या, मोनोसाइट बढ़ा है क्या, बेसोफिल बढ़ा है क्या, ESR बढ़ा है क्या, उस हिसाब से हम लोग देखते हैं, तो हमें ज्यादा अच्छे से, अगर आप ब्लड रिपोर्ट में देखना चाहते हैं तो जो मोनोफिल्स बेसोफिल्स ये जो बताए हैं उस हिसाब से हम लोग इसको डायग्नोस करने का कोशिश करते हैं, तब हमें पता चल जाता है। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोग प्रश्न पूछते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा करिए, और डिफिकल्ट डिफिकल्ट चैलेंजिंग केसेस भी सॉल्व किया करिए। तो मैं अपना लेक्चर अभी बंद करता हूँ क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन का टाइम हो गया है, मैं आप लोगों के पास फिर आऊँगा कल 7 बजे, फिर हम लोग और कोई व्याधि पे चर्चा करेंगे, मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोगों को और भी कुछ पूछना है तो मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको बताऊंगा, और मुझे अभी जाने दीजिए, हम लोग अभी 2 मिनट बाद मिलेंगे इंटरेक्टिव सेशन में। प्रणाम सभी लोगों को, नमस्ते।